विदेश भेजने के नाम पर बिहार के सिवान के 2 सर्जन से अधिक लोगों के साथ ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में सिवान निवासी अशोक पंडित के कोर्रा थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। आवेदन के अनुसार मचुआरी के देव कॉम्प्लेक्स में डेटा कॉक्स नामक कंपनी द्वारा सिवान में कार्यालय खोलकर विदेश भेजने का सब्ज बाग दिखाया गया था। कंपनी के सब्ज बाग में सिवान के 26 लोग फंस गए। थाना को दिए गए आवेदन के अनुसार सभी 26 लोगों से 50,000 रुपए वीजा और फ्लाइट का टिकट करवाने एवं दुबई के DCC कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लिया गया। कंपनी द्वारा सभी लोगों को वीजा और फ्लाइट का टिकट भी भेजा गया। आवेदन में श्री पंडित ने बताया कि जब उनके द्वारा दुबई में मौजूद अपने एक मित्र से संपर्क कर वीजा की सत्यता के बाबत जानकारी के लिए कहा गया तो जांच के क्रम में वीजा फर्जी निकला। यह भी बताया गया कि डेल्टा कॉक्स कंपनी को संदीप अनवर एवं राणा प्रताप नामक 3 व्यक्ति संचालित कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि ठगे गए लोगों ने कंपनी के संचालक के कहने पर सिवान से कंपनी के कोटक महिंद्रा बैंक से खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संभावना जताई जा रही है कि कई अन्य जिलों के दर्जनों लोगों ने से इसी प्रकार विदेश में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला जांच के क्रम में प्रकाश में आ सकता है। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।